आज दोस्तों बनाएंगे हम चटनी वाली गार्लिक ब्रेड। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्पाइसी है, और खास बात यह है कि जो भी हमारे घर में ये उससे बनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, पर जो इसका स्वाद है वो आपकी चाय के स्वाद को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला है। सुबह के नाश्ते में भाई ये ब्रेड मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके लिए सबसे पहले एक हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डालेंगे 12-13 लहसुन की कलियाँ, इसी के साथ 4 हरी मिर्च, और अब डालेंगे इसमें हम हरा धनिया। ये लगभग मैंने एक गुच्छा लिया है, इसे हम काट के डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें हम चाट मसाला। चाट मसाला आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना डालूंगा। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में पहले से ही नमक है, तो नमक थोड़ा सा कम रखें। अब इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। लीजिए चटनी तो हमारी पिसकर रेडी है। बस इस तरीके से इसे हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब लेंगे एक हम कटोरी और अब इसमें डालेंगे हम मक्खन। मक्खन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे तो बहुत कम भी नहीं डालेंगे, तो लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना मक्खन ले लिया है। और अब इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे और अब डालेंगे इसमें हम चटनी। इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लीजिए मक्खन में चटनी अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और ले लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड। और अब लेंगे यहाँ पर हम 4 ब्रेड की स्लाइस। वैसे इतने में लगभग आपकी 5 से 6 आराम से बन जाएगी। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन मलाई वाली ब्रेड ली है और अब इस पर अच्छी तरीके से मक्खन को लगा लेते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से मक्खन को लगाएं, जिससे कि इसका स्वाद इवनली अच्छी तरीके से आए। और अब डाल देंगे इसके ऊपर हम चाट मसाला। अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए ओरिगानो हर्ब्स का भी प्रयोग कर सकते हैं या मिक्स हर्ब, कुछ भी ऐड कर दें। फिलहाल अब इस पर हमने मक्खन लगा लिया है, इसी तरीके से हम चारों ब्रेड पर मक्खन लगा लेते हैं। लीजिए चारों ब्रेड पर मक्खन लग के तैयार है। तो अब चलते हम गैस की तरफ और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इस पर एक नॉनस्टिक का तवा रख देते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह लोहे के तवे पर भी इसे सेंक सकते हैं। फिलहाल तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इस पर ब्रेड को रख देते हैं और अब इसकी दूसरी साइड पर भी हम मक्खन लगा लेते हैं और फिर से डाल देंगे इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला और फिर से इसे इस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से जब हम चाट मसाला फैलाते हैं तो वाकई में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और फिर बताएं ये कितनी स्वादिष्ट बनी है। आपने जितनी प्रकार की ब्रेड खाई होगी उससे ये काफ़ी स्वादिष्ट बनी है, स्पाइसी है और सबसे बड़ी बात कि इसमें गार्लिक ब्रेड का स्वाद भी है। फिलहाल ये ब्रेड तो हमारी सिक्कर रेडी है, इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी सेंक लेते हैं। लीजिए बनके तैयार है हमारी स्पाइसी चटनी वाली गार्लिक ब्रेड। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट है और आपकी चाय का स्वाद तो बिल्कुल गजब का आने वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करें अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसके बगल का जो घंटा है ना, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।